अब रेड चिली प्रोडक्शन हाउस से कोरियन फिल्म का रीमेक बनाएंगे शाहरुख खान। खरीदे इस फिल्म के राइट्स। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भले ही अपने अभिनय को लेकर अभी किसी फिल्म में नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन उनके प्रोडक्शन हाउस से लगातार किसी न किसी फिल्म के ऐलान हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस से बनने जा रही कोरियन फिल्म के बारे में, जिसके राइट्स हाल ही में शाहरुख ने खरीदे हैं, जो कि कोरियन फिल्म डॉलर हार्ट है। बात यदि इस फिल्म की कहानी की करें तो ये एक जासूस की कहानी है, जिसकी कार से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी दौरान उस शख्स की मौत हो जाती है। यही से फिल्म की कहानी शुरू होती है। दरअसल इस हादसे के दौरान जासूस नशे में रहता है और एक्सीडेंट के बाद काफी डर भी जाता है, इसी कारण वो पुलिस को फोन करने की बजाय लाश को छुपाने के रास्ते तलाशने लगता है। खास बात ये है कि इस दौरान जासूस अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी कर रहा होता है। ये कहानी सस्पेंस थ्रिलर के साथ ही काफी रोमांचक भी है। फिल्म को साल 2014 में रिलीज किया गया था, जिसका निर्देशक किम से ओंग हुन ने किया था। अब शाहरुख खान इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन हाउस से बनाने जा रहे हैं, जिसे सुजोय घोष डायरेक्ट करेंगे। खास बात ये है कि शाहरुख ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का निर्देश दे दिया है, जिसमें अब फिल्म की कास्ट को लेकर चर्चा हो रही है। बात यदि शाहरुख के वर्क फ्रंट की करें तो वो 2018 में फिल्म जीरो में नजर आए थे, जिसके बाद शाहरुख ने अभी तक कोई फिल्म साइन नहीं की है।